डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसको हम लोग चैन रूल से भी जानते हैं। इसमें सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस है फंक्शन ऑफ फंक्शन का। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ये बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का टाइप वन हम क्वेश्चन लिया है, टाइप टू का और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन सॉल्व कैसे करना है। इससे पहले, फंक्शन ऑफ फंक्शन सॉल्व करने से पहले, आप लोग को डिफरेंशिएशन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला और भी जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो सब पता होना चाहिए, तब ये बनेगा। तो देखिए, इसके दो तरीका से, पहला क्वेश्चन को हम दो तरीका से बात करेंगे और बाकी सबको कॉमन एक ही मेथड से बात करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन फोर एक्स, दिया हुआ है साइन फोर एक्स। तो हम लोग डिफरेंशिएट का फार्मूला क्या जानते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स, ये डायरेक्ट होता पता है कि क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट ऑफ साइन फोर एक्स को हम डायरेक्ट नहीं, कोई फार्मूला होता है ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम साइन एक्स है तो कॉस फोर एक्स लिख दें, ऐसा फोर एक्स है तो फोर नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक प्रोसेस देखने जा रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, लेट देखो, 4x को हम t मान लेते हैं, तो या t इक्वल टू हम बोल रहे हैं कि 4x, t इक्वल टू 4x मान लिया। तो अब हम लोग इसको मान रहे हैं, ये y इक्वल टू था, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू साइन t, साइन t, 4x के जगह पर क्या मान लिया है, t। तो अब हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, थीटा के जगह पर सिर्फ t है। अब इसको t के रेस्पेक्ट में फंक्शन हो गया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट both the sides with respect to t। अब यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का क्या हो जाएगा, dy by dt हो जाएगा, पहले dx होता था, अब यहाँ फंक्शन t है तो t के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन t by dt, dy by dt इक्वल टू ये हो जाएगा साइन x का कितना फार्मूला होता है, cos x, और t है तो t हो जाएगा, तो cos t, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बार में अब हम लोग को ये जो t लिया है, t इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये जैसे यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x t था, अब यहाँ t इन टर्म्स ऑफ x है, तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। यहाँ पे लिखना होगा डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स, देखो ये इधर का था, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ दी साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्यों x, क्योंकि t इन टर्म्स ऑफ x है। अब यहाँ पे हो जाएगा dt by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, t 4x by dx। तो अब हम लोग जानते हैं कि dt by dx क्या हो जाएगा, 4 बाहर, dx by dx 1, मतलब 4x का 4 होता है, 5x का 5, ये हम लोग जानते हैं, तो 4x 4 हो गया। अब ये दोनों को हमको चाहिए क्या, y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स चाहिए, और यहाँ पे हमारा एक जगह आ रहा है dy बाई डी टी, दूसरे जगह आ रहा है dt बाई डी एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए नाउ, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dt बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी कितना आया है, देखिए डी वाई बाई डी टी है कॉस टी, और डी टी बाई डी एक्स कितना है, डी टी बाई डी एक्स हमारा है 4। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो नहीं, डी एक्स बाई डी टी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, डी एक्स बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स तो 4 हो गया, तो हमको यहाँ पे चाहिए डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी अगर हम करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डी एक्स बाई डी टी, ऐसा इसलिए क्योंकि डी टी डी टी कैंसिल, तब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी 1/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस टी, और यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस टी के जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, 4x, 4x। तो ये हमारा देखिए आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 4 कॉस 4x, ये
आंसर। तो ये थोड़ा सा पहले टी करो और ये फिर टी को भी करो और फिर ये सपोर्ट करो, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जा रहा है, जबकि ये बहुत ही छोटा प्रोसेस से बन जाएगा। तो ये एक तरीका था। यहाँ पे क्या किया समझ गए ना, dy by dx को हम dy by dt और dx by dt भी लिख सकते हैं, ताकि dt by dt कैंसिल हो जाएगा। इसका दूसरा जो मेथड है, देखिए दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड है, इस ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड इसका हम बात करने जा रहे हैं, सेकेंड जो मेथड है देखिए, और उसी मेथड से हम सारा क्वेश्चन को बात करेंगे, सभी क्वेश्चन, और वही आसान है मेथड। देखिए सेकेंड मेथड जो है, पहला क्वेश्चन का, लेट y इक्वल टू हम लोग क्या मान रहे हैं, साइन 4x, इसको डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा d साइन 4x। अब डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन x का जानते हैं, 4x का नहीं जानते, तो यहाँ पे 4x को हम लोग चयन करेंगे और फिर से यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 4x। अब 4x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब तक हम लोग इसको चयन करते हैं तब तक जब तक कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। तो साइन x का क्या होता है, cos x, x के जगह पर 4x है और 4x का 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos 4x। अगर यहाँ 5 होता तो 5 cos 5x हो जाता, ठीक है। ये आ गया dy by dx, ये सबसे आसान मेथड है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन टू है, देखिए क्वेश्चन टू में लेट हम लोग बोल रहे हैं y इक्वल टू क्या है, cos qx, नहीं cos x टू दी पावर 3, इसको भी हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y क्या हो गया, dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ cos x क्यू, देखिए cos x का डिफ्रेंशिएट जानते हैं, cos x क्यू का नहीं जानते, तो cos x क्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे, अगेन हम इसको क्या करेंगे, x क्यू बाई डी एक्स। तो ऐसा इसलिए ताकि ये डी एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, यही मेन मीनिंग है इसका। तो इसके बाद देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के जगह पर क्यू है, और ये x के पावर n, x के पावर n पर, तो nx के पावर n माइनस वन, x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, dx एक्स एन एक्स के पावर n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 3 माइनस वन टू, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x क्यू, ये dy by dx, dy by dx इक्वल टू आ गया, ये dy by dx इक्वल टू इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot स्क्वायर x, देखिए थर्ड हम इसको लिख रहे हैं, लेट y इक्वल टू cot स्क्वायर x। देखिए किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्या है, cot स्क्वायर x को हम cot x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ साइन क्यू है, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर x क्यू, तो ये cos x क्यू पूरे का होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। y अब यहाँ से हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा y का, dy by dx डिफ्रेंशिएट ऑफ cot x के पावर 2 by d। अब यहाँ पे x के पावर n जानते हैं, cot x के पावर 2 नहीं जानते हैं, तो cot x को हम लोग नीचे लाएंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये dx, अब cot x का जानते हैं, अब ये x के पावर n का हो गया फॉर्मूला, तो x के पावर n का क्या हम लोग जानते हैं, एन एक्स के पावर n माइनस वन, तो 2 क्या हो जाएगा, cot x के पावर 2 माइनस वन, 2 cot x के पावर 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, और cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 cot x इंटू cosec स्क्वायर x, यही हो गया dy by dx, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन है डियर, जो कि देख लिए, बाकी सारा क्वेश्चन भी इसी प्रोसेस से बनेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फोर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन 4 जो दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में गिवन है, लेट मान रहे हैं y इक्वल टू tan रूट x, tan रूट x
डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ टैन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे टैन एक्स का जानते हैं, रूट एक्स का नहीं जानते थे, तो रूट एक्स को नीचे लाए और ये रूट एक्स कैंसिल, तो डी एक्स। अब हम लोग देखिए टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट डायरेक्ट हम लोग जानते हैं रूट एक्स। अगर ये नहीं समझ रहे हैं ये बेसिक, तो सबसे पहला वीडियो में आप देख सकते हैं क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई, ये क्या हो जाएगा 2√x, यही है डी वाई बाई डी एक्स। तो आंसर हो गया ये किसका, 4 का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5, 6, आगे भी जो क्वेश्चन है इसी प्रोसेस से बनेगा, बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे। आइए ये सब पूरे क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 5 जो है, 5 नंबर में लेट y इक्वल टू 5 + 7x^6। देखिए x के पावर n तो हम लोग देखे हैं, लेकिन 5 + 7x^6 को हम डायरेक्ट नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी 5 + 7x^6 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय डी, इसको हम लोग चेंज करेंगे 5 + 7x इंटू डिफरेंशिएट ऑफ 5 + 7x बाई डी एक्स, क्योंकि अब इसको हम डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं। तब तक हम लोग चेंज करते हैं जब तक कि उसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कर लें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब इसको कर ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि x के पावर n जानते हैं, 5 + 7x^6 डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं होता है। तो अब ये x के पावर जब चैन कर लिए तो अब ये पूरे x बन गया और ये x के पावर n पर टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6। x के पावर n का क्या फार्मूला होता है, x के पावर n dx का क्या हो जाएगा, एन एक्स के पावर n माइनस वन। तो यहाँ n क्या है 6, x के जगह पर अब ये तो x हो गया, तो 5 + 7x^6 - 1 5 इंटू 5 का कांस्टेंट का 0 और 7x का 7, तो 7 हो गया, 7 6 क्या 42 इंटू 5 + 7x^5, यही हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, डिवाइड बाई x इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 6 में, देखिए क्वेश्चन 6 में लेट y इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स क्यू, अगेन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos एक्स क्यू पूरे का होल स्क्वायर। अब ये पूरा x बन जाएगा और ये n। अब आइए अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy by dx। देखिए डिफरेंशिएट ऑफ ये क्या हो जाएगा cos x क्यू, देखिए यहाँ इस टर्म को अब हम यहाँ से यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ के बाद क्या हम लोग कर रहे हैं, देखिए y का क्या हो जाएगा dy by dx, dy by dx ठीक है इक्वल टू d cos x क्यू का होल स्क्वायर। अब ये x के पावर n है, इसको तो हमको नीचे लाना होगा d cos x क्यू। अब यहाँ पे d cos x क्यू, cos x का जानते हैं, cos x क्यू नहीं जानते, तो अगेन हम लोग चयन करेंगे। मैं बोला क्या कि तब तक इसको हम लोग को चयन करना है जब तक कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जब तक कि डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट। अब ये एक्स क्यू को डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी कॉस एक्स क्यू को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कॉस एक्स का जानते हैं, तो एक्स क्यू ना है और एक्स क्यू को अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट एक्स के पावर एन पर कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर एन, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर एन का एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, तो टू कॉस एक्स क्यू का 2 - 1, तो 2 - 1 1 ही होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स होता है, एक्स के जगह पर क्यू है और एक्स के पावर एन क्या हो जाएगा 3x². अब इसको देखो ये माइनस 3 2 6 - 6x² पहले लिखा
इनटू नहीं एक और यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, देखिए क्या क्या है, टू साइन एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स क्यू एक जगह पे रखा, ठीक है, और ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रख रहा हूँ, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला होता है साइन टू थीटा का, कि क्या होता है साइन टू थीटा इक्वल टू टू हाँ साइन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अब ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा दोनों जगह सेम है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा की जगह पर क्या है एक्स क्यू, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स क्यू। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है सिक्स का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सेवन। क्वेश्चन सेवन जो है, सेवन में क्या गिवन है, अंडर रूट लेट मान रहे हैं वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स क्यू, साइन एक्स क्यू। तो देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ अंडर रूट साइन एक्स क्यू। देखिए रूट एक्स का हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट जानते हैं, साइन एक्स क्यू का नहीं जानते हैं, तो डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स क्यू नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स क्यू, अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि साइन एक्स का जानते हैं, एक्स क्यू का नहीं, तो हम एक्स क्यू को नीचे लाएंगे, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब ये हो गया, अब जब ऐसे पूरे चैन कर देते थे ये रूट एक्स जैसा कंसीडर करेगा, और रूट एक्स का हम लोग जानते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, तो वन बाई टू रूट एक्स, एक्स के जगह पर क्या है साइन एक्स क्यू। अच्छा साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू को हम क्या लिख सकते हैं एक्स के पावर एन थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट साइन एक्स क्यू, ये हो गया हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सेवन हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं एट, क्वेश्चन नंबर एट, एट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन एट में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन एट में गिवन है लेट वाई इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ये डिफरेंशिएट ऑफ अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट एक्स का जानते हैं, अंडर रूट साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स का तो डायरेक्ट नहीं होता है अप्रोच कुछ भी, नहीं कोई कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको चयन करेंगे एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे ये यू इंटू वी फंक्शन है, अब यू इंटू वी फंक्शन हम लोग इससे पिछले देखा है वीडियो में कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, टू रूट एक्स, एक्स के जगह पर क्या है एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ से हम लोग फिर से यू इंटू वी, तो एक्स को बाहर करेंगे, यू इंटू वी क्या था यू इंटू वी फंक्शन में यू को बाहर करते थे वी को डिफ्रेंशिएट करते थे, प्लस वी को बाहर करते थे यू को डिफ्रेंशिएट करते थे, ये कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो u को बाहर किया v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस v को बाहर करेंगे u को डिफरेंशिएट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही। तो u इंटू वी में पहले u को बाहर किया v को डिफरेंशिएट किया, v को बाहर किया u को डिफरेंशिएट किया, अब क्या हो जाएगा देखिए 1 बाई टू अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा ये क्या हो गया x साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएट cos x, प्लस साइन x dx एक्स बाई डी एक्स वन, तो वन इंटू साइन x साइन x। अब इस पूरे को मिला दीजिए तो ये हो गया x cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट एक्स इंटू साइन x, यही आपका डिवाइड बाई डी एक्स आ गया, डिवाइड बाई डी एक्स, ये है क्वेश्चन एट। तो एट तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नाइन, क्वेश्चन नाइन।
क्वेश्चन 9 क्या गिवन है? 9 में गिवन है लेट y इक्वल टू अंडर रूट क्या है, कॉट अंडर रूट x, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा, dy by dx, डिफरेंशिएट ऑफ अंडर रूट कॉट रूट x बाई डी कॉट रूट x इंटू डी कॉट रूट x बाई, देखिए रूट x का जानते हैं, कॉट रूट x का नहीं जानते हैं, कॉट x का जानते हैं, कॉट रूट x का नहीं जानते हैं, तो रूट x नीचे आया। अब रूट x को तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, कर लेंगे, तो यहाँ तक अब हम लोग कर लिया। रूट x का क्या होता है, 1 बाई टू रूट x, टू रूट x, x के जगह पर क्या है कॉट अंडर रूट x, कॉट x का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, x के जगह पर रूट x है, और रूट x को क्या होता है 1 बाई टू रूट x, x के जगह पर x ही है। अब सबको मिला दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू टू फोर, क्या हो जाएगा रूट एक्स अंडर रूट क्या कॉट रूट एक्स, यही हो गया डिवाइड बाई डी एक्स आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना लिया। आइए अब हम लोग 10 देखते हैं, क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 10 को, क्वेश्चन 10 में गिवेन है डियर लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 बात कर रहे हैं, y इक्वल टू कॉस इंटू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। सभी क्वेश्चन को वैसे ही बनाया है, सेम गाना वही करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ कॉस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी बाई डी। हम लोग कॉस ये पूरे थीटा है, तो कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं ना, साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी तो नहीं होता है, तो साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को हम लोग नीचे लाएंगे और इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। देखिए अब हम लोग क्या है, साइन थीटा का जानते हैं, साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का नहीं जानते, तो हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट ए एक्स प्लस बी नीचे लाएंगे। अब क्या हो जाएगा, डी अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं डायरेक्ट नहीं जानते, रूट एक्स का जानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी नीचे लाएंगे। अब हम लोग ये x प्लस बी को जानते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, तब तक हम लोग चयन करते रहेंगे, ये फंक्शन और फंक्शन और फंक्शन और फंक्शन चल रहा है। cos x का क्या हो जाएगा, ये x कंसीडर होगा यहाँ पे, तो sin x, cos x का माइनस sin x होता है, x के जगह पर क्या है sin अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, sin x का क्या होता है cos x, x के जगह पर अंडर रूट x प्लस बी। अच्छा रूट x का क्या होता है 1 बाई टू रूट x, x प्लस बी, x के जगह पर अंडर रूट x प्लस बी, और ax का a और कांस्टेंट का तो जीरो होगा, b कांस्टेंट यहाँ है, तो ये तो नंबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा नंबर b है मतलब। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन साइन अंडर रूट ax प्लस बी, ये a को यहाँ बाहर ले लाया, इंटू कॉस अंडर रूट ax प्लस बी डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ax प्लस बी, यही है dy बाई dx। तो डियर ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे सभी, आपने अभी एक एक करके 10 क्वेश्चन देखा, बाकी इस तरह का जो क्वेश्चन है आप लोग का आर एस अग्रवाल में या एनसीईआरटी में आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और कॉन्सेप्ट को देखिए।